हेलो मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे हैं आप लोग बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमैरिजम बेटा इन और प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमैरिज्म अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा बेटा आप उस लेक्चर को देख सकते हैं नाउ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आप लोगों को बेटा कि दो आइसोम विच सेम मोलिकुलर फॉर्मूला मोलिको फॉर्मूला सेम होता है बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस इन थ्री डिग्री थ्री में और स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स में डिफर करेंगे सच टाइप आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमरिजम तो बेटा टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमिजम दिस इज डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स फर्स्ट इज बेटा जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम सेकेंड इज बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिजम एंड थर्ड वन इज बेटा कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिजम कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिजम बेटा ब्रॉडली अगर हम डिस्कस करें इसको बोथ ऑफ दीज टू टाइप्स जोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिजम दीज आर दाइप्स ऑफ कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिजम ये दोनों की दोनों िसकी टाइप है बेटा बोथ ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म बोथ ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म एंड दिस इज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कॉन्फिगुरेशनल को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो इन टुडेज लेक्चर बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ बेटा ज्योमेट्रिकल और सिस्ट ट्रांस आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो ट्रांस आइसोमेरिज्म बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज स्पेशली गिवन बाय और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म स्पेशली गिवन बाय बेटा एल्किस एल्किस इसको देते हैं दिस इज स्पेशली गिवन बाय

स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम होते हैं उनके बट डिफर इन किसमें डिफर करेंगे डिफर इन रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट स्पेशियल वर्ड किससे बना है ये स्पेलिंग ध्यान से देखना वो स्पेशल नहीं है ये ये स्पेशियल है बट डिफर इन रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड डबल बोंड अराउंड डबल बॉन्ड बेटा ठीक है क्यों क्योंकि स्पेशली कौन देते हैं एलकी इंस देते हैं एलकी इंज में क्या होता है बेटा कार्बन कार्बन डबल बोंड तो डबल बोंड के अराउंड जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी बेटा उसमें डिफर करेंगे अगर उसमें डिफर करते हैं देन सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड फिनोमना इज कोल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना दिस फिनोमोना बेटा इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम दिस फिनोमोना इज कॉल्ड बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम और वी कैन से बेटा सिस ट्रांस आइसोमेरिजम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फादर डिवाइडेड इन टू टाइप्स बेटा देखिए ये डिस्कस करते हैं आप एंड ट्रांस टाइप्स बेटा इसके तो सीस आइसोमर क्या होगा ट्रांस आइसोमर क्या होगा देखिए बेटा ये डिस्कस करते हैं बेटा हम ओके तो सीस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर देखिए सीस आइसोमर क्या होगा बेटा भाई अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सपोज दीज आर डबल बॉन्डेड एनी की इसको बोलेंगे एंड इफ सेम टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट डायगनली ये ए यहां पर है तो एटम यही यहां पर आएगा बी यहां पर है बेटा

और बिल्कुल अपोजिट साइड में तो दिस इज ट्रांस ये ट्रांस अपोजिट टू इच अदर दिस आर अपोजिट टू इच अदर ओके बिल्कुल पॉइंट है ध्यान से आपको समझना है इसको मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता दूं यहां पर बेटा कि भाई देखो सिस और ट्रांस में अगर स्टेबिलिटी चेक की जाए विच इज मोर स्टेबल आइसोमर आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस सो ट्रांस इज मोर स्टेबल जो ट्रांस आइसोमर है दैट इज मोर स्टेबल देन

in case of cis isomer same type of bulky groups are present to the same side of double bond बेटा डबल बॉन्ड के सेम साइड में प्रेजेंट होंगे ड्यू टू तो दिस क्या होगा बेटा ड्यू टू दिस हिंड्रेंस इंक्रीजेस स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस इज नथिंग बट रिपल्स ड्यू टू बल्कि साइज रिपलस ट्यू टू बल्कि साइज है ना सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई कि पैसेंजर बस है उसमें कुछ लोग सवारी कर रहे हैं और टू सीटर होता है थ्री सीटर होते हैं बस के अंदर मैं टू सीटर पे एक तो हम पतले पतले दो इंसान बिठा दें बिल्कुल खुले खुले बैठेंगे उछलते हुए जाएंगे है ना बट एक उसी सीट पर दो हंड्रेड के के दो इंसान बिठा दें एक ही सीट पर टू सीटर पर दो हंड्रेड हंड्रेड के के भाई हंड्रेड के का इंसान है जो पूरा मोटा तगड़ा इंसान है जो वो तो एक ही बैठेगा उस सीट पर दो नहीं अगर दोनों को आप बिठाओगे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे दूसरे को धक्का कि उधर लेना उसको कहेगा उधर हो लेना ठीक है मीन वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो सेम पॉइंट क्यों क्योंकि बल्कि साइज है लार्ज साइज है लार्ज साइज होने की वजह से क्या होगा रिपेल करेंगे दूसरे को रिपेल करने से क्या होता है अनर्जी इंक्रीज होती है मोर अनर्जेटिक हो जाएंगे फाइट भी हो सकती है उनमें यह भी हो सकता है पॉसिबल यस और नो वो उसको कुछ कहे वो उसको कुछ कहेगा फाइट हो सकती है उनमें मीन क्यों क्योंकि एक्टिवेट हो गई वो अनर्जी इंक्रीज हो गई अनर्जी इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है सिंपल सा पॉइंट है तो वही पॉइंट आप अप्लाई कर दो बिल्कुल डेली लाइफ का बेटा क्या की ड्यू टू बल्की साइज क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस स्टोरिक मीन रिपल्सन ड्यू टू बल्की साइज क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे रिपल्सन जूटबल के साइज क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे सो so, क्या होगा बेटा विथ रिजल्ट इंक्रीज इन विथ रिजल्ट इंक्रीज इन इंक्रीज इन एनर्जी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बेटा ओके okay? सो so, स्टेबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर बिकम्स लेस देन ट्रांस आइसोमर सो दिस इज द पॉइंट बेटा तो ट्रांस आइसोमर के कंपैरिजन में सीस आइसोमर की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा लेस हो जाती है क्यों ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बल्की ग्रोप्स और बल्कि एटम्स एटम या ग्रुप हैं जो बल्कि उनमें रिपल्स होने की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और बेटा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ओके, okay? अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा टू ड्रो सीस एंड देखिए क्वेश्चन मिल जाता है बेटा कि ड्रो सीस एंड ट्रांस ऑफ ब्यूट टू इन वन टू थ्री फोर दिस ओके okay. टू पर इन हो गया डबल बॉन्ड्स बाकी आप पैलेंस पूरी कर दो भाई इनकी दिस हो गया अब आप चेक करो डबल बॉन्ड का कार्बन एटमल्ड कार्बोन एटम पर एक तो ये हाइड्रोजन है एक मिथाइल ग्रुप इस पर भी क्या बेटा एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप सो दीज आर दी टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स एंड दीज आर दी सब्सटी प्रेजेंट एट दीज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स बेटा सिस एंड ट्रांस दोनों आइसोमर हम इसके ड्रॉ कर देंगे यहां पर ओके okay. देखिए Suppose this is CH3, this is CH3. अगर सेम साइड में लगा देते हैं बल्कि ग्रुप्स तो सीस हो गया यहां पर तो एच एच जो बच गए दोनों को ये एच ई एच अन साइड में आ जाएंगे दिस इज सिट इन सिस ब्यूट टू इन सिमिलरली इफ दिज बल्की ग्रुप्स आर प्रेजेंट डायगनली टू इच अदर सी एस थ्री सी एस थ्री एच बल्कि ग्रुप्स या मीन हम बोल सकते हैं बेटा सेम टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप्स आर प्रेजेंट डायगोनली टू इच अदर देन दैट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर तो क्या हो जाएगा ये दिस इज बेटा ट्रांस ब्यूट टू इन तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आपने ब्यूट टू इन के ड्रॉ किए हैं बेटा ये ओके okay, बिल्कुल ईजी है कोई बड़ी बात है? नहीं है यहाँ पर नाउ आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ बेटा वन टू डाई डाई क्लोरोलोरोन देखिए बेटा टू कार्बन एटम है इथ सी डबल बॉन्ड सी वन और टू दोनों कार्बन एटम पर क्या है क्लोरीन है एक एक क्लोरीन क्या होगा हाइड्रोजन एटम भी होगा बेटा दिस इज सी एल इज सी एल आ गया वन टू डाई क्लोरो ट्रांसोम करना आपको टू कार्बन एटम्स ये डबल बॉन्ड कार्बन एटम सी एल सी एल अगर सेम साइड में लगा दिए हैं एच एच सेम साइड में लगाए तो दिस इज सिस सिस वन टू डाई क्लोरो इथिन बिल्कुल ईजी है कुछ भी नहीं है बेटा देन ट्रांस अगर आइसो में ड्रॉ करेंगे आप इसका दिस इज C डबल वन C, इफ दीज एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट डायग्नल टू इच अदर एक दूसरे का डायगोनली कर देंगे ट्रांस हो गया बेटा बिल्कुल ईजी है कुछ भी नहीं है ये इट बिकम्स बेटा ट्रांस वन टू डाई क्लोरो क्लोरोथिन ट्रांस वन टू डाई क्लोरो क्लोरोथिन सिमिलरली बेटा वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड जो मैलिक एसिड होता है दिस इज सिसाइसोवर और जो फ्यूमेरिक एसिड होता है बेटा दिस इज ट्रांस आइसोवर ठीक है देखिए दिस एच एच सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच दिस इज मैरिक एसिड दिस इज सी साइसोमर और सेम अगर हम कंपाउंड ड्रो करें बट इसी का अगर ट्रांस आइसोमर हम ड्रो कर देते हैं बेटा सी ओ ओ ओ एच सी ओ ओ ओ ओ एच कार्बोजलिक एसिड ग्रुप है नेबरिंग कार्बन आइटम पर बेटा एच एच दिस इज बेटा फ्यूमैरिक एसिड फ्यूमैरिक एसिड एंड बेटा दिस इज ट्रांस आइसोमर कैसा आइसोमर है ये दिस इज ट्रांस आइसोमर है बेटा बट जो मैलिक एसिड था बेटा दैट इज सिस आइसोमर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जोमेट्रिकल आइसोमैरिजम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमैरिजम बेटा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस बेटा ऑप्टिकल आइसोमैरिजम थैंक्स एल